आज भादरा से जयपुर जाते वक्त श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत जी का सिद्धमुख में करणी सैनिकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जी आपको बता दें कि शीला शेखावत जी है वो सुखदेव सिंह मर्डर के बाद में लगातार है वो सोशल मीडिया पर है, न्याय की बात कर रही हैं, समाज को एकत्रित करने की बात कर रही हैं। इस मामले में हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने पीछे न्याय यात्रा भी शुरू की थी, हालांकि वो चूरू में जाके स्थगित कर दी। इस मामले में कहा कि सरकार से हमारी वार्ता है वो हो चुकी है और जल्द ही हमारी मांगें पूरी कर ली जाएंगी। हमने ये भी सवाल किया कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की आगे की क्या रणनीति रहेगी, तो हमसे खास बातचीत में शीला जी ने कहा कि जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने सेवा की है जनता की, जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, उसी प्रकार से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आगे काम करती रहेगी। और इन्हीं सवालों के साथ हम आपको उनकी जो बात है वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तहसील अध्यक्ष बाबूलाल सिंह राजपुरोहित व राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश सचिव अनुपाल सिंह भाटी ने मौजूद रहे और उन्होंने स्वागत किया। इस मौके पर तमाम ग्रामीणों की बात करूं तो प्रधान ढाका सरपंच ओम प्रकाश जांगिड़, प्रेम बिजारणिया, रामलाल रतिवाल, फौजी साहब, मनीष शर्मा, संतूराम राजपुरोहित, कुमेर दान चारण, चानन छिम्पा, सावरमल राजपूत, शेर सिंह छिम्पा, स्वाईदान सिंह चारण, जय सिंह टाक, रामस्वरूप गेदर, महेश शर्मा, ओम किरोड़ीवाल तथा ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 36 कौम के लोगों की लड़ाई लड़ती हूं और लड़ती रहूंगी। गरीब को गणेश मानकर सुखदेव सिंह के पद चिन्ह चलकर गरीब लोगों की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य परम धर्म रहेगा। और हमारे साथ खास बातचीत में शीला जी ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। शीला जी, आपने न्याय यात्रा शुरू की थी कुछ दिन पहले, स्थगित की है सरकार से वार्ता की, इसमें कुछ क्या सरकार से वार्ता की है, क्या कुछ निकल गया है सामने? अभी तो देखिए 3 महीने का हमें पहले टाइम दिया था, लेकिन 3 महीने होने के बाद भी जब सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो मैंने न्याय यात्रा निकाली। और न्याय यात्रा के बीच में प्रशासन आता रहा, हमारी मांगों को कहते रहे कि पूरा कर देंगे, लेकिन हमने नहीं माना। और फिर चूरू आने के बाद में जैसे सीएम साहब ने प्रशासन को भेजा और सीएम साहब ने हमारे को बुलाया, तो हमें उनकी बातों पे संतुष्टि हुई और उन्होंने हमारी जितनी भी मांगे थी वो पूरी करने का आश्वासन दिया। लगातार आपके दौरे जारी हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? रणनीति तो यही है, जैसे पहले काम करते थे करनी सेना अन्याय के विरुद्ध में खड़ी होती थी, वैसे ही आगे भी करती रहेगी और आगे भी जितने भाई हैं बहन हैं उनके बीच में खड़े रहेंगे। ओके, धन्यवाद।